गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक रेशनल नंबर को, एक हम डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा नंबर है लेट 0.6 का बार। ये ऊपर क्या है, ये डंडा बार बोलते हैं इसको। बार मतलब ये नंबर इतनी इतनी बार 6666 इनफिनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.66666 इनफिनाइट टाइम्स तक, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। हमारा ये क्या बन गया, 10x, और ये क्या बन गया, 6.66666 इनफिनाइट टाइम्स तक इक्वेशन सेकंड। नाउ हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाले में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने x को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, x को माइनस किया 10x से, 10x माइनस x कितना है 9x, और 0.666 को माइनस किया 6.666 से, समझ आया, 6.6666 इनफिनाइट टाइम्स तक माइनस 0.6666 इनफिनाइट टाइम्स तक। तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा, 6 इधर वाला सारा कट जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू कितना आया 6, x की वैल्यू आई 6/9, मीन्स काटेंगे तो 3 2 6 3 3 9, x की वैल्यू कितनी आई 2/3, मीन्स 0.66666 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन 0.93 के ऊपर बार, दो नंबर के ऊपर बार है, तो हम x को क्या लिख सकते हैं 0.9393 इनफिनाइट टाइम्स तक। देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो नंबर है ना, हमें डेसिमल के बाद सेम नंबर दोबारा चाहिए, 9393 यहाँ भी, 9393 यहाँ भी, जिससे कट जाए। तो 100x इज इक्वल टू डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 9.93 9393 इनफिनाइट टाइम्स तक। सेम वही प्रोसीजर जैसे यहाँ पे किया था, एक सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, x माइनस 100x मींस 100x माइनस x इतना हो जाए 99x, और 93.9393 में से 0.9390 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, हमारा सिर्फ 93 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 93/99, मीन्स 3 से काटा तो 31/33, तो 0.93 का फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, 31/33, जिसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेथड है जिससे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है, और बने रहिए चैनल पे, बाकी वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन स्टडी करने का सबसे बेहतर तरीका और सबसे बेस्ट चैनल, और जो कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो चैनल पे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी बढ़िया वीडियो बना सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।